नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम आया है 34 ईयर एक बिजनेसमैन का, और ये जो बिज़नेस करते हैं फर्नीचर का बिज़नेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग दोनों ही करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का ही इनका बिज़नेस है फर्नीचर का। और ये जो बिज़नेस है इनकी पुश्तैनी बिज़नेस है और इनकी उम्र 34 ईयर्स है, और उन्होंने कहा है ये 15 साल से ये बिज़नेस में है, ये खुद 15 साल से बिज़नेस में है और इनकी उम्र 34 है। तो करीब करीब उनकी एज जब 19 वर्ष की होगी तब से ये बिज़नेस कर रहे हैं, तब से लेके। तो मैं जो हमेशा कहता हूँ कि माइंड लाइन अगर लंबी हो आपकी, बहुत ज़्यादा लंबी हो, तो आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलती है, या फिर बचपन से ही एकदम शुरुआत से ही आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, या फिर पुश्तैनी बिज़नेस करते हैं। तो ये जो जनाब है ये पुश्तैनी बिज़नेस करते हैं, और ये माइंड लाइन से हमें मिल रही है कि हाँ यही बिज़नेस ये इनको करने में ज़िंदगी भर तक ये करते जाएंगे, और इनको इनमें सक्सेस भी मिलता रहेगा, और कोई काम इनको कभी भी चेंज नहीं करना है, एक ही बिज़नेस ज़िंदगी भर तक करनी है, क्योंकि इनके माइंड लाइन यही कह रही है, यही सपोर्ट दे रही है कि यही बिज़नेस में इनको आगे चल के फ़ायदा होगा। हाँ, फेथ लाइन का अप डाउन के कारण कभी कभी तो बिज़नेस में नुकसान या कभी लाभ, कभी कम लाभ, कभी ज़्यादा लाभ, वो होता रहेगा, लेकिन यही बिज़नेस है जिसको इनके करना है और इसी को आगे बढ़ाना है। तो हमें ये इनकी माइंड लाइन से मिल गई है। थोड़ी इनको क्या सवाल है एक बार हम लोग पूछ देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग इनके पाम की डिटेल एनालिसिस और बाकी सारे जो एज वाइज इनकी जो फिनेंशियल कंडीशन, रिलेशनशिप कैसी जाएगी, हेल्थ वाइज कैसी जाएगी, ये सब हम लोग देखेंगे। तो अभी इनकी 34 ईयर्स एज है, इनकी मेन जो सवाल है कि इनकी बिज़नेस आगे कैसे जाएगा, धन संचय कब होगा, इनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, चिंता रहती है, वो क्यों रहती है, वो कैसे जाएगा, छोटा भाई या आप, इन दोनों में से कौन ज़्यादा धनवान होगा ये या सक्सेसफुल होगा, ये तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपके भाई के पाम उसके लिए देखना ज़रूरी होगा, जिसके पाम जितना ज़्यादा पावरफुल होगा वो उतनी ही ज़्यादा सक्सेस होगा। ऐसे आपके पाम देख के ये नहीं बता सकता हूँ कि आपके भाई कितना सक्सेस होगा, ये उनके पाम से ही पता चलेगा। तो आप कितने सक्सेस होंगे वही ज़्यादा मैटर करती है, हम लोग उसी को निकालते हैं आपके पाम से। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार आपकी पाम की एनालिसिस। अगर आपकी माउंट वगैरह को देखें तो मर्करी माउंट अच्छी खासी डेवलप है, पीछे की तरफ ढलती हुई इस तरह से बाहर की तरफ जाती हुई माइंड लाइन, ये इंडिकेशन मर्करी माउंट ये इंडिकेशन कराती है कि माउंट डेवलप है, माउंट जितनी होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा जगह लेके बाहर की तरफ धकेलती हुई मर्करी माउंट ऑलवेज ए पावरफुल मर्करी इंडिकेशन करती है, और इन लोगों की बिजनेस सेंस अच्छी रहती है, ये लोग बिजनेस भी अच्छे कर पाते हैं। इनके पाम में लाइन कम हो, मतलब ये थोड़ा सख्त पाम है, इसके कारण इनमें लाइन कम होगी, तो ये छोटी छोटी लाइन जो होगी वो बहुत ज़्यादा हाई इंडिकेशन देगी। तो इसी तरह से हम लोग आगे चल के एनालिसिस करेंगे। छोटी फिंगर भी लंबी है, तो आपकी मर्करी माउंट ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेवलप है, थोड़ी सी हल्की सी क्रॉक दिख रही है, इतने साल काम करने के बाद तो आप अपने काम में माहिर ज़रूर हो जाएंगे, उसी के कारण ये क्रॉक है, और ये क्रॉक फिंगर इंडिकेशन कराती है कि आप अपने काम में तो माहिर है, और ये सन के थर्ड फैलेंस तक पहुंच रही है, तो इसके कारण आपकी कम्युनिकेशन पावर भी बहुत बढ़िया रहेगी, नई जगह पे जाना या किसी नए इंसान से बातें करने में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आपकी सन की जो फिंगर है वो नॉर्मल है, यहाँ पे सन की फिंगर को देखना ज़रूरी है, क्योंकि सन की फिंगर नॉर्मल लेंथ में है, सैटर्न की फिंगर भी लंबी है जैसी होनी चाहिए, सैटर्न की फिंगर को बड़ी सी लंबी उस तरह से। अभी सैटर्न की माउंट को देखें तो जैसी दबी होनी चाहिए वैसी है, और इसके उपरांत यहाँ पे अगर सन माउंट देखें ये भी दब रही है, सन की फिंगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लंबा नहीं है, अगर ये माउंट दबी रहती है और ये फिंगर इस तरह से लंबी होती, इतना तक लंबी होती जितना तक मैंने ड्रॉ किया है, तो ये माउंट डेवलप माना जाता, लेकिन ये फिंगर जैसी लेंथ है, लेंथ जनरली होती है सन माउंट सन फिंगर की ऐसी ही है, और ऊपर से जो इनकी माउंट है वो भी दबी हुई दिख रही है, क्योंकि ये सैटर्न की माउंट और सन की माउंट दोनों ही एकदम फ्लैटिश है, साइड से भी उभरा हुआ नहीं है, जो ये दोनों साइड से उभरी हुई रहती है ऐसा भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिख रही है। तो ये सन की माउंट डाउन है, सन की माउंट अगर डाउन हो जाए तो क्या होती है, आप सक्सेस का मज़ा नहीं ले पाते, पहली बात ये इन्जॉय नहीं कर पाते। दूसरी, आपकी जो गुडविल है, आप बिज़नेस करते होंगे तो आपके
नाम के अलावा आपके बिजनेस के नाम भी आपके सन माउंट से जोड़ा जाएगा, तो आपके जो बिजनेस का गुडविल है वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। हमेशा ऐसा कुछ होता रहेगा, कुछ अगर बिजनेस का नाम बढ़ेगा तो कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे नाम खराब हो जाएगा। ये सारे होंगे आपके सन माउंट डाउन होने के कारण। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सनलाइन भी नहीं है, मतलब ऐसा कोई लंबा सा सनलाइन भी नहीं है, तो उसके कारण और ज़्यादा पावर नहीं मिल रही है। यहाँ पे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइन भी नहीं दिख रही है, बस ऐसी हल्की सी एक जैसे कुछ फिश बनते बनते रह गया या फिर बनने की कोशिश में था, कुछ भी साइन नहीं बन रही है, कुछ भी साइन नहीं बन रहे, उल्टा कुछ हल्का सा क्रॉस जैसा दिख रही है। ये आके अगर इस तरह से जाए तो ये क्रॉस जैसे निशान बनाते हैं, तो ये क्रॉस के कारण और भी हालत ख़राब होगी, मतलब लिटिगेशन आएगी, नाम ख़राब होगी। आपके बिजनेसमैन हैं तो आपके नाम के साथ साथ आपके बिजनेस का नाम भी जुड़ा रहेगा। तो ये सन माउंट आपकी अंडर डेवलप है, इसका मैं रेमेडी दूंगा, उससे थोड़ी बहुत हालत ज़रूर सुधरेगी। सैटर्न माउंट कैसी है? ठीक है, सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। एक बहुत ही अच्छी सैटर्न लाइन हमें दिख रही है लास्ट फेलेंज में जाके, मतलब लास्ट टाइम पीरियड में जाके जो फेथ लाइन आपकी एक्टिव हो रही है बहुत ही बढ़िया दिख रही है हमें। तो इसके कारण क्या होगी, एक तो आपको कभी भी दूसरे से किसी से हाथ कभी फैलाना नहीं पड़ेगा पैसे के मामले में, और आपकी बुढ़ापा अच्छी खासी पैसे के साथ साथ बीतेगी, मतलब उस टाइम पीरियड तक आप अच्छी खासी ज़रूर पैसे कमा पाएंगे। जुपिटर कैसी है? जुपिटर भी थोड़ी डाउन हमें दिख रही है, एक तो यहाँ से उभरी हुई है हल्की सी, यहाँ से दबी हुई है, माउंट भी छोटा है, इतना छोटा मिल रहा है, छोटी जुपिटर माउंट, वहाँ से उभरी हुई और साइड से दबी हुई, ये इंडिकेशन कराती है किसी ना किसी रिलेशनशिप के साथ आपके रिलेशनशिप ख़राब रहेगी। वो आपने ऑलरेडी कह चुके हैं अपने बीबी और भाई के साथ आपके थोड़ी रिलेशन ख़राब है, वो इंडिकेशन यहाँ से करती है। यहाँ से एक लाइन मैं दूसरे पाम में जब जाऊँगा दिखाऊँगा, यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ, बाद में चल के वो देख लेंगे। यहाँ से एक लाइन निकल के माइन लाइन की तरफ जा रही है, हार्ट लाइन से अगर कोई लाइन निकल के माइन लाइन की तरफ जाए वो भी इंडिकेशन करती है कि आपके मेरिटेरियल रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी इंडिकेशन के साथ आपके जो रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम है वो हमें दिख रही है यहाँ से। मार्स माउंट कैसी है आपकी? मार्स माउंट ठीक ठाक है, आप में एग्रेसिवनेस है, इसी के कारण आप बिजनेस को संभाल भी रहे हैं और आपको फील्ड में भी वर्क करना पड़ता है, ये इंडिकेशन कराती है कि आपकी मार्स माउंट पावरफुल है, इसके कारण आपको थोड़ा फील्ड में भी वर्क ज़रूर करना पड़ेगा। डिफेंसिव मार्स भी उस पैरेलल में काफ़ी अच्छी है, तो डिफेंसिव मार्स और एग्रेसिव मार्स दोनों मार्स पावरफुल होने के कारण आपको ये दिखाती है कि ज़मीन से जुड़ी हुई अगर कोई आप काम करते हैं उसमें आपकी सफलता हो सकती है, खुद की ज़मीन जायदाद ये हो सकती है, आप कभी प्रॉपर्टी खरीद के बेचे तो उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस है, और आप बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के हैं और आप बहुत ही एनर्जेटिक है और बहुत टाइम तक अपने काम को आप कर सकते हैं, मतलब रेगुलर टाइम से भी ज़्यादा टाइम आप काम में दे सकते हैं। आपकी वेनस माउंट ठीक ठाक है, नॉर्मल है, यहाँ पे कोई लग्जरी लाइन भी नहीं ज़्यादा दिख रही है हमें और ना ही तो बहुत ज़्यादा कोई प्रोमिनेंट खड़ी लाइन है। प्रोमिनेंट बड़ी बड़ी अगर खड़ी लाइन ना हो तो जितनी भी मेहनत कर ले आप, आपको उस हिसाब से इनकम उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है, तो वो थोड़ी आपकी यहाँ पे हमें प्रॉब्लम दिख रही है। मून माउंट आपकी पावरफुल और बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया मून माउंट हमें दिख रही है आपके पाम से, इतनी सुंदर और डेवलप है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैवल लाइन नहीं है लेकिन फेथ लाइन का एक ब्रांचेस मून माउंट से जा रही है, ये दिखाती है कि आपको ट्रैवल है, आप ट्रैवल ज़रूर करेंगे और उस ट्रैवल में अगर आपकी फिनेंस से जुड़ी हुई कामकाज हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगी क्योंकि ये आपको फिनेंशियल बेनिफिट भी दिलाएगी। ये आपके हमें पाम की ओवरऑल दिख रही है। अभी थोड़ी लाइन की एनालिसिस करेंगे, उसके लिए हम लोग एक दूसरी पाम में जाएंगे, यहाँ पे उतनी ज़्यादा लाइन क्लियर नहीं दिख रही है। एक मिनट, हाँ यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, ऊपर के लाइन को एक बार पहले देख लेते हैं फिर नीचे के लाइन के लिए हम लोग दूसरी पाम में चलेंगे। तो हार्ट लाइन क्या कह रही है? हार्ट लाइन इनकी एक तो हल्की हल्की चेन नुमा फॉर्मेशन है, उससे बहुत कुछ आता जाता नहीं है। ये देख लीजिए, ये लाइन जो माइन लाइन की तरफ आ रही थी इसी के लिए मैं बता रहा था कि ये इंडिकेशन के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहती है। हार्ट लाइन की मेन एक पोर जो है, मेन जो लाइन है वो सीधा जुपिटर की तरफ जा रही है, इसकी और एक ब्रांच निकल के वो भी जुपिटर के अंदर तक जा रही है। अगर सिर्फ जुपिटर के अंदर ही जाए हार्ट लाइन तो ये लोग दूसरे से ठगते हैं, मतलब इनको बहुत ज़्यादा धोखा मिलती है ज़िंदगी में, पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा यूँ ही मिलती है और पैसे के मामले में बहुत ही ज़्यादा। किसी को विश्वास करके अगर आप पैसे उधार देंगे तो वो आप
ना मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बिजनेस के सिचुएशन में बहुत ज़्यादा संभाल के रहिएगा, किसी को ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हॉटलाइन की ऐसी सिचुएशन होगी तो लोग ये ज़रूर जानते हैं कि आपको इजीली ठग सकते हैं, आपको मतलब ऐसे कह सकते हैं कि सीधी बात में कह सकते हैं कि वो लोग समझते हैं कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, इसलिए वो उस तरह का दाव पेच भी खेलेगा और आपकी नुकसान होगी। तो इसके बारे में थोड़ा हमेशा ख्याल रखिएगा। माइन लाइन हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि माइन लाइन लंबी है और नीचे की तरफ जा रही है बहुत दूर तक, तो ये लंबी माइन लाइन ही पुश्तैनी कामकाज में सक्सेस दिलाती है और वो काम ही आप करेंगे जो काम आप बचपन से ही करते आ रहे हैं उसी में आपको सक्सेस होगी। नहीं अगर काम आप कोई कुछ करेंगे करने की कोशिश करेंगे तो उसमें सक्सेस मिल रेट उतनी ज़्यादा नहीं होगी। उपरांत उसके ऊपर क्या होगी, उसको सक्सेस के लिए भी आपको 4-5 साल तक स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, टाइम नष्ट होगा, उसके बाद जाके अगर आपको सक्सेस मिलेगा अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो। माइन लाइन में यहाँ पे थोड़ी हमें प्रॉब्लम दिख रही है, ये करीब करीब आपकी जो दिख रही है 33-35 या 33-36 3-4 साल तक यहाँ पे माइन लाइन में एक शेडो है। माइन लाइन और फेथ लाइन का जहाँ पे कनेक्शन है वो शेडो है। हम दूसरे पाम में जाएंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखेगा, यहाँ पे उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रही है। इस शेडो के कारण इस टाइम पीरियड तक आपके करियर में ऑब्स्टकल रहेगा। जो पीरियड आप अभी चल रहे हैं उसी के पीरियड और 1-1.5 साल ज़रूर रहेगा। अभी आपकी 34 है, ज़रूर ऐसा रहेगा कि 1-1.5 साल कुछ प्रॉब्लम आपकी आ रही है और आगे भी 1-1.5 साल तक आपकी प्रॉब्लम होती रहेगी। ये आपकी माइन लाइन में जो शेडो है करीब करीब 35-36 तक आ रही है ये शेडो, तो उस टाइम पीरियड तक आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर रहेगा। आगे चल के माइन लाइन कैसी चल रही है, इसी के बाद जो माइन लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा ठीक ठाक और क्लियर जा रही है। इसके कारण क्या होगी, आपकी आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, माइन लाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, ठीक ठाक डिसीजन ले पाएंगे और उसके कारण आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, उपरांत बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। माइन लाइन आपके मून की तरफ झुक रही है, अगर माइन लाइन मून की तरफ झुके ना तो ये लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि इनमें सोचने की काबिलियत रहती है। कुछ लोग इस काबिलियत से राइटर बन जाते हैं, कुछ लोग जो राइटर नहीं बनते हैं, राइट नहीं करते हैं, वो बहुत ज़्यादा गहरा सोचते रहते हैं हमेशा। ये दोनों सिचुएशन रहती है। हर एक जो राइटर दुनिया में फेमस हो चुके हैं उन सभी का देखिएगा इस तरह का माइंड लाइन है जो मून की अपर पार्ट में आके मिल रही है। किसी का राइटर फॉक्ट रहती है इस तरह से, वो बड़ी इंडिकेशन रहती है एक राइटर के लिए। लेकिन वो फॉक ना भी हो तो भी वो इंसान अगर राइट नहीं करते हैं, लिखते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लिखते नहीं हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो आपकी जो आपने जो कहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, ये माइंड लाइन के पैटर्न के कारण हो रही है। तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा लिखना है, कुछ भी लिखिए, बस पेन और कागज़ बहुत ज़्यादा यूज़ कीजिए। जब भी कोई ऐसे मतलब आप खाली बैठे हैं और ये दिमाग में उल्टा सीधा सोच आ रहे हैं, आप जल्दी से कागज़ पेन उठा के कुछ लिखना शुरू कर दीजिए। पोएट्री हो, स्टोरी हो, आज आपने पूरा दिन क्या किया अभी तक, वो सारे लिखिए, जो भी है लिखने के बाद फेंक दीजिए, वो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप 10-15 दिन तक अगर करेंगे ट्राई तो देखिएगा कि आपके जो सोचने की वो आप जो उल्टा सीधा सोचते थे अभी तक वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और वो एकदम तो उतनी ज़्यादा सोच नहीं आएगी और जो भी सोच आएगी वो क्रिएटिव सोच आएगी। कि कौन कौन सी सोच आएगी कि आगे चल के आपका बिज़नेस कैसे आगे बढ़ेगा, उसका सारा आइडिया आएगा, उसके बारे में आप सोचेंगे, अपने बेहतरी के लिए सोचेंगे। तो लिखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। ये छोटी छोटी रेमेडी है जो कुछ अनजस्टिफाइड लगती है, कुछ लोगों को ज़रूर लगती होगी ये कैसा रेमेडी हुआ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कारीगर रेमेडी है। जो लोग अप्लाई कर चुके हैं वो जानते हैं और मैं जो रेमेडी वगैरह देता हूँ मैक्सिमम रेमेडी ऐसी ही होती है। थोड़ी बोरिंग सी लगती है, कोई स्टोन नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ऐसे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम के है। ये आपकी दिमाग को चेंज करती है, हाथों की जो लाइन होती है वो दिमाग की ही सोच रहती है और कुछ नहीं है, उसी को हम पढ़ते हैं। चलते हैं अभी दूसरी पाम में चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो मैंने शेडो की बात कर रहा था वो ये माउंट से हमें यहाँ से दिख रही है। इसी पाम को ले लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ और आगे एनालिसिस के लिए नहीं है। तो लाइफ लाइन को अगर देखें हम लोग, लाइफ लाइन में थोड़ी बहुत हमें प्रॉब्लम दिख रही है हेल्थ को लेके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा एज कैलकुलेशन कर लेते हैं।
एक मिनट दीजिएगा मुझे। तो करीब करीब आपकी जो हमें लाइफलाइन की पैटर्न दिख रही है, ये आपकी एज अभी 34 है, तो आपकी थोड़ी बहुत पोलियम तो गई, बीत चुकी है एक करीब करीब 32 से 32 के करीब, एक करीब करीब आपकी 29। ये जो दो राहु लाइन यहाँ पर प्रोमिनेंट दिख रही है, इस एज पीरियड में हमें लगती है कि आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई या फिर बिजनेस या रिलेशन से जुड़ी हुई कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर रही होगी। उस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ खराब आपके साथ ज़रूर हुआ होगा, वो हमें यहाँ से दिख रही है। आपकी माइंड लाइन भी हमें दिख रही है, क्योंकि करीब करीब वो जो 35-36 बोला वो 36 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 36 के बाद ही आपकी माइंड लाइन की जो प्रॉब्लम है वो दूर ज़रूर होगी। तो 36 तक आपकी माइंड लाइन से प्रॉब्लम है। अभी लाइफ लाइन की करीब करीब 42, जहाँ से हमें आपकी लाइफ लाइन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिख रही है, जो पहले दिखी नहीं और बाद में भी नहीं दिख रही है। यहाँ पे ये लाइन मोटा और काला और धब्बेदार है, एक तो मोटा है, शेडो है, काला है। तो 42 के करीब 2-3 साल तक आप थोड़ा अपने सेहत के बारे में ख्याल रखिएगा। ये क्लियर कट इंडिकेशन दिखा रही है कि उस टाइम पीरियड में आपकी सेहत में कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है। तो 42 के बाद 2-3 साल तक अपने सेहत का ख्याल ज़रूर रखना है। उससे पहले बहुत कुछ नहीं है सेहत के बारे में, मतलब ख़राब कुछ नहीं दिख रही है, बस उस पीरियड ही ख़राब दिख रही है। उसके बाद फिर से लाइन ठीक ठाक जा रही है, कलर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं दिख रही है। तो उस टाइम पीरियड ही आपकी थोड़ी हेल्थ ख़राब रहेगी, उसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, ख्याल रखिएगा। उस पीरियड आते आते अभी देर है, लेकिन उस टाइम पीरियड आते आते बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपने सेहत के बारे में। अभी आपकी फेथ लाइन देखते हैं। अगर आपकी फेथ लाइन देखें तो ये कैसे आ रही है, ये मनी वंश से शुरू हो रही है इस तरह से और सीधी चली गई। इतनी बचपन से किसी की फेथ लाइन अगर स्टार्ट हो तो जनरली वो लोग बचपन से ही काम धंधा शुरू कर देते हैं, और ये सिर्फ 19 साल से ही अपने पिताजी के साथ बिजनेस स्टार्ट कर चुके थे फर्नीचर का, वही बिजनेस अभी भी कर रहे हैं। तो देख लीजिए कि फेथ लाइन कितना कुछ कहते हैं। 19 ईयर्स एज, अगर हम लोग यहाँ से भी ड्रॉ करते हैं ना, यहाँ पे जो हम मैं जो लाइन खींचता हूँ यहाँ से करीब करीब, वो 24 एज करीब होती है। तो ये 19 ईयर्स एज है, उससे भी 5 साल, मतलब मनीबंद में जाके ये फेथ लाइन का शुरू होना चाहिए था और वहीं से शुरू हो रही है करीब करीब यहाँ से। 19 ईयर्स एज जो इनकी थी तब से ये बिजनेस कर रहे हैं तब से। तो ये हमें क्लियरली फेथ लाइन से मिल गई कि ये आलिए से बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और कामकाज ठीक ठाक कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो फेथ लाइन थी, कामकाज तो बचपन से ही शुरू कर रहे हैं, लेकिन वहाँ का फेथ लाइन बहुत ही ज़्यादा मोटा था, तो कामकाज शुरू करते ही इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला था। ये बहुत ही ज़्यादा लाइन मोटा था ये दिखाती है, और मोटा से क्या हुआ, धीमे धीमे हल्का होकर पतली होती जा रही है। तो ये क्या दिखा रही है कि धीमे धीमे ये कारोबार में अपना हाथ जो है उसे ठीक ठाक कर रहे हैं, मतलब कारोबार ठीक ठाक इनके धीमे धीमे होती रही है और ये धीरे धीरे अपनी सक्सेस की ओर बढ़ रही है। ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही है, मतलब आगे चल के कभी भी हमें फेथ लाइन ऐसे नहीं दिख रही है कि टूट गया या फिर ऐसा कोई कुछ प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हमें नहीं दिख रही है। अभी इनकी 34 ईयर्स एज है, तो 34 ईयर्स एज करीब करीब यहाँ पे रहेगी जो फेथ लाइन की इंडिकेशन हमें दिख रही है, और जो मेन लाइन यहाँ पे है ये 35। तो 34 टू ये लाइन का जो मोटापा है करीब करीब यहाँ से शुरू होके इतनी दूर तक चल रही है, तो 34 से लेके अभी आपकी एज है करीब करीब ये जो है करीब करीब 35.5 या 36 होगा मैक्सिमम, यहाँ से हमें दिख रही है ये लाइन में थोड़ी और ज़्यादा मोटाई है। तो यहाँ पे भी हमें मिली 36 तक आपकी फेथ लाइन में और ज़्यादा मोटाई है, और हमें माइंड लाइन से भी मिली थी कि 36 तक आपकी माइंड लाइन में शेडो है। तो ये दोनों चीज़ 36 में बीत रही है। 36 के बाद आपकी लाइफ लाइन फेथ लाइन बहुत ही ज़्यादा पतली और शार्प होके आगे चल रही है, और आपकी माइंड लाइन भी 36 के बाद बहुत बेहतरीन तरीके से शार्प होके क्लियरली चल रही है। ये इंडिकेशन कराती है कि 36 के बाद आपकी बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। 34 है अभी, अभी भी 2 साल है आपकी, वो आने वाला टाइम है। 36 के करीब आपके फेथ लाइन और माइंड लाइन से मिल रही है कि आपकी बिजनेस बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगी, उतनी जबी अभी तक नहीं गई,
मतलब आपका अगर कैरियर को हम बांटें ना, तीन हिस्से में बांटेंगे, एक तो बचपन से लेके करीब करीब आपकी होगी ये करीब करीब आपकी 28-29 इस एज तक, उतनी ज़्यादा नहीं गई, आप हिसाब कर लीजिएगा मैं जैसे बता रहा हूँ, बाद में मुझे बताइएगा, करीब करीब उसी एज के करीब होगी एकदम बचपन से लेके, वहाँ से लेके करीब करीब 36 तक और एक पीरियड चलेगी जहाँ पे आप कह सकते हैं कि मोटा मोटी ठीक ठाक चल रही है बिज़नेस। उसके बाद जो भी फेथ लाइन होगा बेहतरीन होगा और बहुत ही बढ़िया चलेगी, आगे चल के करियर में बहुत ही बढ़िया बिजनेस चलेगी आपकी। और जो हम दिख रहे हैं करीब करीब 43 तक आते आते आपकी ये फेथ लाइन ख़त्म हो रही है और नया एक फेथ लाइन स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे एक सपोर्ट फेथ लाइन भी, सिस्टर फेथ लाइन भी है। ये सारी इंडिकेशन कराती है कि 43 आते आते आपको कुछ नया चांसेस मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे फेथ लाइन में डाइवर्जेंस है, वो फेथ लाइन ख़त्म हो रही है और एक नया फेथ लाइन स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ पे आके आपके करियर में एक नया अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि नया कोई बिज़नेस उस टाइम पीरियड में भी शुरू मत कीजिएगा, इसी बिज़नेस को नया तरीके से कीजिएगा। किस तरीके से, अभी मैं दिखाता हूँ कि आपकी फेथ लाइन मून माउंट से शुरू हो रही है या इसका एक ब्रांच आ रही है। आपकी मून माउंट अच्छी है, बेहतरीन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मून माउंट में। ये पहली इंडिकेशन मिलती है कि आपके पाम के साथ कुछ फॉरेन का इंडिकेशन ज़रूर है। आगे चल के जो ये फेथ लाइन का ब्रांच है, फेथ लाइन जो है लेटर पार्ट में जो उठा है, वो फेथ लाइन सन की तरफ जा रही है। तो सन की तरफ जाती हुई ये फेथ लाइन इंडिकेशन कराती है कि फॉरेन के साथ आपका कुछ कनेक्शन हो सकती है। तो उस टाइम पीरियड के बाद मुझे जो लगती है कि आप अपनी बिजनेस को बहुत दूर तक फैलाएंगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकती है, मतलब बाहर को आप अपने फर्नीचर को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस तरीके का पॉसिबिलिटीज़ 43 के बाद ज़रूर बन सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास नया कोई बिज़नेस का अपॉर्चुनिटी आए, तो उसको अगर करिएगा तो कर सकते हैं, लेकिन ये पुराना बिज़नेस छोड़ना नहीं है। पुराना बिज़नेस कभी भी ज़िंदगी में छोड़ना नहीं है, जब तक आपकी सेहत देगी तब तक आपको ये बिज़नेस करना है आगे चल के, और तब तक आपको सक्सेस भी मिलता रहेगा। तो आगे चल के 36 से मुझे आपके पाम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बहुत ही बेहतरीन दिख रही है। अभी आपकी थोड़ी थंब को हम एक बार देख लेते हैं और ओवरऑल एक बार देख लेके आपकी सवाल की ओर जाएंगे। थंब को अगर देखते हैं तो इस तरह से यहाँ पे मांस कम मिल रही है। यहाँ पे अगर मांस कम हो थंब की, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने हितों का रक्षा नहीं कर पाते हैं। ये देखते हैं कि इनका खुद का नुकसान होगा कुछ चीज़ करने के बाद, वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और वो चीज़ कर लेते हैं और इनका नुकसान हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए आप चांदी या प्लैटिनम का कुछ छल्ला यहाँ पे पहनेंगे, चांदी या प्लैटिनम का छल्ला यहाँ पे पहनना है। उसके पहनने के कुछ दिनों बाद आपकी ये जो है ये धीरे धीरे ठीक होता रहेगा। तो ये रेमिडी आप ज़रूर कीजिएगा, यहाँ पे चांदी या प्लैटिनम का जो भी आपके सामर्थ्य हो उसके हिसाब से पहनिएगा, दोनों का रिज़ल्ट ही एक ही रहती है करीब करीब। तो प्लैटिनम नहीं ले पाएंगे तो ऐसा नहीं है कि उसमें एकदम रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, हाँ मिलता है, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलती है। प्लैटिनम हो तो थोड़ा बेहतर रहता है, तो वहाँ पे छल्ला ज़रूर पहनिएगा। अभी आपकी एक बार सवाल को दोहरा लेते हैं, और इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप के आपकी जो सवाल थी कि भाई और बीवी से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, वो तो हमें दिख रही है, उसका मैं एक रेमेडी बताऊंगा आपको, आप वो करेंगे, आपकी जो घर की जो रिलेशनशिप में वो ठीक हो जाएगी। भाई से ज़्यादा वो तो मैं नहीं, शायद वो नहीं हो सकती है, लेकिन आपकी घर की जो परेशानी है रिलेशनशिप में वो ठीक होता ज़रूर दिखेगा। अच्छा, नज़दीक इंसान ही धोखा देते हैं। देखिए इसका तो आपका दोनों इंडिकेशन मैंने बताया, एक यहाँ पे ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में तो रिलेटिव लोग आपको थोड़ा धोखा दे सकते हैं, और ये जो इंडिकेशन है हार्ट लाइन जुपिटर के अंदर तक आ रही है, इसके कारण भी ऐसी चीज़ होते रहते हैं और आप अपने हितों का रक्षा नहीं कर पाते हैं थंब के कारण, उसके कारण भी आपका नुकसान होता रहता है। बिजनेस आगे कैसे रहेगा, 36 तक ऐसा ही रहेगा जैसे चल रहा है, 36 के बाद इसको पावर मिलेगी और वो ये बेहतरीन चलेगी। 43 तक आते आते नया कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, या इसी बिज़नेस को आप नए तरीके से कर सकते हैं, कुछ भी हो सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस का इंडिकेशन दिख रही है 43 में। और टेंशन चिंता बहुत ज़्यादा होती है, उसका कारण मैंने आपको बताया है कि टेंशन चिंता क्यों आती है, माइंड लाइन ऐसे झुकी रहेगी तो टेंशन चिंता आती है। तो उसके लिए क्या करना है वो भी मैंने बताया है
लिखने का कोशिश कीजिएगा, लिखिएगा, कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्टोरी लिख सकते हैं स्टोरी लिखिए, पोएम लिख सकते हैं पोएम लिखिए, दिन भर वो कुछ नहीं लिख पा रहे हैं तो दिन भर क्या किए वो लिखिए, कुछ ज़िंदगी का प्लान लिखिए, फ्यूचर में क्या करना है, जो भी हो, जो भी आपके दिल में आए वो लिखिए, उससे आपकी ये कंडीशन ठीक हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा चिंता कभी नहीं आएगी। तो यही रही आपकी पाम की एनालिसिस। अभी तो पाम बहुत ठीक ठाक दिख रही है, आगे चल के बहुत बेहतरीन हो जाएगी ये। बस सन की रेमेडी लेनी है, क्योंकि आपके बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बहुत बड़ा करना है, तो इस यहाँ पर गुडविल भी चाहिए। सन की यहाँ पर हम रेमेडी देंगे, वो करिएगा, एक रिंग देंगे, तो उससे भी आपको सन यहाँ पर पावरफुल होता जाएगा। तो शुक्रिया आप लोगों को मेरा चैनल देखने के लिए। आगे एक नया पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।